दोस्तों, जैसा कि हर एक स्टूडेंट अपने अपने तरीके से पढ़ाई करता है, उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट कम पढ़ाई के साथ में भी अधिक विषय को पढ़ लेते हैं, परंतु उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु उन्हें पढ़ा हुआ विषय लंबे समय तक याद नहीं रह पाता है। दोस्तों, ऐसे में हम आप लोग को बता दें कि बहुत से स्टूडेंट यह सोचते हैं कि वे पढ़ने में कमजोर हैं, अथवा उनका दिमाग टॉपर्स की तुलना में या फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तुलना में कम है। परंतु दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आप लोग को बता दें कि ईश्वर के द्वारा सभी के मस्तिष्क को एक समान रूप से बनाया गया है, बशर्ते कि कुछ स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके को फॉलो करते हैं जिसके माध्यम से उन्हें कम समय के साथ में भी उनका विषय लंबे समय तक याद रह पाता है। और वहीं दूसरी ओर कुछ स्टूडेंट करते क्या है कि पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन वे स्मार्ट तरीके को फॉलो नहीं कर पाते। ऐसे में वे सिर्फ रटने की आदत पकड़ लेते हैं और उन्हें कोई भी विषय लंबे समय तक याद नहीं रह पाता है, और कुछ समय के बाद उनके मस्तिष्क से उतर जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग एक बात से परिचित ही होंगे कि किसी भी प्रकार के काम को करने के लिए सबसे पहले हमें एक बेहतर तरीके की तलाश करने की आवश्यकता रहती है। अर्थात कि दोस्तों, कहने का मतलब है कि हम लोग को जब भी अपनी पढ़ाई को शुरू करें उसमें हम लोग किस प्रकार के स्मार्ट तरीके को फॉलो करें जिसके माध्यम से हमारी पढ़ाई जो है वो कम समय के साथ में भी पूरी हो जाए और साथ ही लंबे समय तक हमारा पढ़ा हुआ विषय याद रहे। दोस्तों, ऐसे में हम आप लोग को बता दें कि पढ़े हुए विषय को लंबे समय तक याद रखने के लिए आप लोग को कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके को फॉलो करना है जिसके माध्यम से आप लोग याद किए हुए किसी भी विषय को बहुत ही लंबे समय तक याद कर सकेंगे। जिन महत्वपूर्ण तरीकों को टॉपर्स फॉलो करते हैं अपनी पढ़ाई के द्वारा, उन्हें दोस्तों आप भी फॉलो करके किसी भी पढ़े हुए विषय को कम समय के साथ में भी लंबे समय तक आप लोग याद कर सकेंगे। तो दोस्तों, हम आप लोग को बता दें कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते हैं और वीडियो में बताए हुए सभी महत्वपूर्ण टिप्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो यकीन मानिए आपको किसी भी विषय को एक से दूसरे बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डिपेंड करता है कि आप बताए हुए तरीकों में से कितना फॉलो करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कुल 5 ऐसे स्मार्ट तरीकों को बताया जाएगा जो कि टॉपर्स भी फॉलो करते हैं। अगर आप भी इन्हें बेहतर तरीके से समझकर अपनी नियमित पढ़ाई के दौरान फॉलो करना शुरू कर देते हैं वो कम समय के साथ में भी आपको पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रह सकेगा। इसे सबसे पहले जानना आवश्यक रहता है कि आखिर हम लोग को पढ़ना कैसे। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग आज की इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी को जानते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें पढ़े हुए विषय को लंबे समय तक याद रखने के लिए, तो उसमें हम लोग का जो पहला नंबर टिप्स आता है वो होता है कि दोस्तों डिस्ट्रेक्शन से दूर रहें। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब भी आप लोग पढ़ाई करना शुरू करें तो उस वक्त आप लोग पूरा फोकस करें कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर हो। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट करते क्या है कि वे पढ़ाई के साथ साथ बहुत से काम को करने लगते हैं। यह दोस्तों गलती आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आप लोग किसी भी समय पर पढ़ना शुरू करते हैं उस वक्त आप लोग को कोशिश करना है कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर रहे। कोशिश करिए कि डिस्ट्रेक्शन से दूर रहे। अगर आप लोग पढ़ाई के दौरान सभी डिस्ट्रेक्शन से दूर होकर सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर देते हैं तो वह आपकी पढ़ाई बिल्कुल ही कम समय में बेहतर तरीके से पूरी हो जाती है। दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़े हुए विषय को लंबे समय तक याद रख पाने के लिए दूसरे स्मार्ट टेक्निक की बात करें तो वो है दोस्तों आप लोग को अपनी पढ़ाई का समय को फिट करना है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि कोई कोई स्टूडेंट करते क्या है कि जब भी उनको समय मिलता है वो पढ़ना शुरू कर देते, तो ऐसा आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग को एक दिन अपने दिमाग में पूरे तरीके से यह सोचना है कि आप लोग का वो 24 घंटा का वो कौन सा ऐसा समय है जिस पर आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर केंद्रित रह पाता है। यह समय आप लोग का सुबह का भी हो सकता है, चाहे रात का भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप उसे कब करना शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को सबसे पहले एक पढ़ाई करने के निश्चित समय को चुन लेना है और उसी समय के अनुसार अपनी पढ़ाई को शुरू करना है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आप लोग को बता दें, हमारी शरीर की एनर्जी का लेवल घटते बढ़ते रहता है, तो ऐसे में आप लोग को कोशिश करना है कि जब आप लोग का पढ़ने का मन करता है, जिस समय पर आप लोग का पूरा दिमाग फ्रेश रहता है और पढ़ने का मन करता है, आप लोग कोशिश करें कि उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दें।
आप लोग यकीन मानिए, अगर आप लोग इस टेक्निक को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, ये तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आपकी जो पढ़ाई है वो पहले से कहीं गुना बेहतर हो चुकी रहेगी। अगर आप लोग को यकीन नहीं होता तो आप लोग 10 दिन केवल इसे फॉलो करना शुरू कर, आप लोग को इसका परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसमें मैटर नहीं करता है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, यह बिल्कुल ही नहीं मैटर करता है। मान के चलिए कि आप लोग को सिर्फ 1 घंटा, 24 घंटा में से सिर्फ 1 घंटा पढ़ने को मन करता है, तो आप लोग 1 घंटे में भी बहुत अच्छी अपनी पढ़ाई को कर सकेंगे। दोस्तों, इन तरीकों के बाद अब हम अगले तरीके की बात करें, वो होता है कि दोस्तों आप लोग को अपनी पढ़ाई के सबसे पहले पूरे सिलेबस को समझने की आवश्यकता रहती है। कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए कि आप लोग 10वीं का बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को सबसे पहले पूरा माइंड मैप जो है वो क्लियर होना चाहिए कि 10वीं की परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है या फिर किस तरह की परीक्षा होती है। साथ ही पूरे विषय के सिलेबस के बारे में भी आप लोग को पूरी जानकारी को रखना काफी आवश्यक रहता है, जिसके आधार पर आप लोग का जो मस्तिष्क है वो पूरी तरह से समझ जाता है कि आप लोग को पढ़ना कैसे है। अगर आप लोग अपने सिलेबस को पूरी तरीके से बेहतर तरीके से समझ जाते हैं तो आपकी पढ़ाई का 20% यही कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, हम आप लोग को बता देते हैं कि अगर आप लोगों ने इस तरीका को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप लोग कोशिश करिएगा कि एक पेज पर अपने पूरे सिलेबस को, साथ ही अपने पूरे माइंड मैप को, अपनी पढ़ाई से संबंधित पूरे चीजों को अपने एक पेज पर लिख लीजिएगा और जब भी अपना पढ़ाई करना शुरू करिएगा उसको एक बार देख लीजिए। दोस्तों, इन तरीकों के बाद अगर हम पढ़े हुए विषय को लंबे समय तक याद करने के लिए अगली टेक्निक की बात करें तो उसमें हम लोग का आता है कि बीच बीच में ब्रेक लेना। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब भी आप लोग किसी भी विषय के किसी भी प्रश्न को आप लोग याद करना शुरू करते हैं तो आप लोग को करना क्या है कि उस प्रश्न को एक बार याद कर लेना है और उसको पूरा समराइज करने का कोशिश करना है। आपके याद किए हुए प्रश्न को अभ्यास करने का भी मौका मिल जाएगा। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कि जब भी अपना पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो आप लोग कोशिश करिएगा कि 30 से 40 मिनट एक एक ब्रेक लेते रहे। दोस्तों, अब हम अंतिम नंबर पर आने वाले तरीके की बात करें तो जिसके माध्यम से हम लोग पढ़े हुए विषय को अपने लंबे समय तक दिमाग में फिक्स रख सकेंगे, वो होता है कि दोस्तों हम लोग को अपने प्रश्न को या फिर किसी भी विषय को उसको हिस्से हिस्से भाग में तोड़ तोड़ कर याद करना है। यानी कि दोस्तों, कहने का मतलब है कि जैसे मान के चलिए कि आप लोग किसी प्रश्न को याद कर रहे हैं, यह जरूरी नहीं रहता है कि आप लोग को एक पेज का प्रश्न का उत्तर है तो आप लोग को ठीक वही चीज आप लोग को याद करना है, यह बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है। आप लोग मान के चलिए कि हिंदी का कोई प्रश्न का उत्तर है, चाहे सोशल साइंस का कोई प्रश्न का उत्तर है, तो आप लोग को बस समझने का प्रयास करना है। साथ ही उसके मेन चीज को, जैसे मान के चलिए कि हिंदी का कोई लेखक हो गए, उनको बस याद करने का प्रयास करना है और बाकी सभी चीजों को अपने दिमाग में समझने का पूरी तरह से प्रयास करना है। अगर आप लोग किसी भी प्रश्न को समझ कर अपने दिमाग में कहानी के रूप में फिट कर लेते हैं तो जब भी आप लोग को उस प्रश्न का उत्तर लिखने को मिलता है, आप लोग अपने क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल करके उसको बेहतर तरीके से लिख सकेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप लोग अपनी पढ़ाई के दौरान इन बताए हुए 5 स्मार्ट तरीकों को, पढ़े हुए विषय को याद करने के दौरान इन सभी तरीकों को फॉलो करना शुरू करते हैं तो आप लोग को 10 दिन में ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ये दोस्तों मेरा गारंटी है। हम आप लोग को फिर से बता देते हैं कि आप लोग को सबसे पहले पूरे बताए हुए तरीकों को अपनी पढ़ाई के दौरान फॉलो करना शुरू करना है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को आज का यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।